मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है, ऋषिकेश में हूँ और ऋषिकेश की सुबह काफ़ी शानदार। अभी तो वैसे मैं एक गेस्ट हाउस में रुका हूँ जहाँ से अभी बात कर रहे हैं, लेकिन आज हो सकता है कि देहरादून भी जाएं और हो सकता है कि हम इन पहाड़ों की तरफ भी जाएं और एक मंदिर दर्शन करने का प्लान है। तो चलते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। निकल रहे हैं यहाँ से नीलकंठ की तरफ, नीलकंठ महादेव के दर्शन करने हैं और वहाँ पे कुछ और काम है। बने रहिए, चलते रहिए। और ये जो खूबसूरत जगह है ऋषिकेश का, ये वास्तव में एक अलग ही नज़ारा है। क्या हुआ भैया? हम यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं और बड़ा पहाड़ी रास्ता सकरा है, में उतरना है, परंतु ठीक है, ये तो हमारी आदत है यहाँ घूमने की और इन पहाड़ों पे ही आकर के ऐसा लगता है कि सब कुछ है, शांति है, ऑक्सीजन है, नो पॉल्यूशन, इसीलिए हम बार बार यहाँ आते हैं। और अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन चलिए उतर जाते हैं, डेंजरस रास्ते हैं उतरने के। पानी का पाइप? हाँ जी, चलो बिकवारी, चलो चलो आगे चलते हैं। कहाँ से आते हो? नेपाल से? नेपाल से। अच्छा, नेपाल से आए हो, काम कर रहे हो, ठीक है। चलो भैया। आओ कुमार साहब। नीलकंठ महादेव यहाँ से बिल्कुल पास में है, करीब 4-5 किलोमीटर, और सुबह ही निकले थे, कुछ ज़रा देख रहे हैं कुछ चीज़ों को। और यहाँ पे जो हमारा पीछे देख रहे हैं पहाड़, यहीं से होते हुए आगे हम निकलते हैं तो नीलकंठ आता है, नीलकंठ महादेव का मंदिर, चलेंगे वहाँ भी थोड़ी देर में। एक तरफ पहाड़ इतना बड़ा बड़ा, दूसरी तरफ लग जाएगी गाड़ी, लग जाएगी तो हम लोग उतर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए धीरे चलाओ, आराम से, आराम से चलूंगा तो नहीं लग। अभी हम लोग एक दूसरे पहाड़ की तरफ आ गए हैं जो कि ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से गाड़ी हमने नीचे खड़ी कर दी है और पैदल हम पहाड़ की चोटी पे हैं और आगे घूम रहे हैं। ये इसका कनेक्ट है ना, ये एरिया कनेक्ट है, और यही एरिया आपका वहाँ कनेक्ट है नीचे रोड। अब इसमें खाली टॉप नहीं है वाला, कौन सा इसकी ये है, इसमें दो तीन ना नहीं है, ये नीचे और नीचे से तो है, ऊपर जाओ उसमें किसको तो क्या करना है, नहीं नहीं नहीं, अरे यही बहुत काफी जमीन है करने के लिए, इसमें बहुत कुछ हो सकता है।
और किसी जगह को देख लो आओ बोलते अरे भाई यार ये तो हमें उन्होंने देखा वो बोलते थे हमारी है मैं तो सब ऐसे बोलेंगे बाकी का लेगा हमारी है इधर आया था दिल्ली वाला अरे भाई यार ये तो जब देखिए ना मेरा तो कौन दिखाई किसने वहाँ पे यहाँ मुझे दिल्ली यहाँ से चांदी स्टार्ट होती है यहाँ से ना नीचे किसी और का ये वाला हाँ ये दीवाना कैसे लगती है भैया ऐसी जरूरत भी ज्यादा कोई जरूरत खाली तार बांध दो अभी हम काफ़ी दूर आ चुके हैं पहाड़ों पे पैदल चलते चलते सांस फूल गई है दम निकल रहा है एक घंटा पैदल सबने चला दिया पहाड़ों पे और कहे कि ये पास में ही चलना है और पास करते करते सबसे हाइट पे आ गए सबसे टॉप पे ये जो आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ ये तो नीचे हो गया हमसे यानी कि हम इतने ऊपर आ गए हैं और ऊपर में एक स्कूल था जो अभी देखे थे लेकिन ये देखिए आप कि सारे पहाड़ों के लेवल पे और अभी और हमारे साथ के जो लोग हैं वो आगे चले गए और थक गया बहुत लेकिन हम थकेंगे नहीं हम तो चलते रहेंगे और अभी बहुत आगे तक चलना है एक घंटा और चलेंगे और इन पहाड़ों के सबसे टॉप पे पहुंचना है कहाँ चले गए मेरे साथ वाले लोग चलिए ढूंढते हैं मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं तो लगभग एक डेढ़ घंटा से हम यहाँ पे थे और हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा और नेचर के पास आने के बाद ऐसा लगता है कि इस संसार में अब कुछ नहीं है ऊपर हमने कुछ पेड़ों पे फल वगैरह भी लगे हुए थे माल्टा मतलब एक प्रकार का ऑरेंज है जो इन पहाड़ों पे होता है बुरांस अभी नहीं लगे हुए हैं हाँ कापल थे कुछ तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और अब हम नीचे की तरफ चलेंगे क्योंकि धूप तो है हवा ठंड भी है सर्दी भी है लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ मिला जुला के बहुत अच्छा मौसम है बहुत अच्छा यहाँ पे वातावरण है और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ से फिर आगे हमें निकलना है तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और अभी तो ये सिलसिला चल रहा है एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बहुत समय यहाँ गुजारेंगे और आप सब लोग भी ज़रूर आएंगे मुझे ऐसा उम्मीद है क्योंकि ये वो धरती है देवभूमि जहाँ पे देवताओं का वास होता है और यहाँ जब भी आप आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा जो कि हम यहाँ पे फील करते हैं तो आइए अब चला जाए नीचे की तरफ
देहरादून हम आ चुके हैं और ये देहरादून का मेन मार्केट है। रात हो चुकी है, 9 बज गया है, मार्केट बंद होने के कगार पे है। तो हम पे भूख लग रहा था हम लोगों को, हमने यहाँ पे कुछ खाया और अब हम जा रहे हैं विश्राम करने। बाज़ार बंद हो गया, फिर भी रौनक है और धीरे धीरे लोग बंद कर रहे हैं। आइसक्रीम दो अभी ये रुको, आइसक्रीम खाने दो मेरे को, ये मेरा आइसक्रीम। हाँ मैं अपना आइसक्रीम पहले खाऊंगा। ये देहरादून का घंटाघर है, घंटाघर चौक बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा है, तो दिखा रहा है मार्केट बंद होने वाला है। हम लोग आइसक्रीम खा करके घर की तरफ निकलेंगे। ले लिया आपने यहाँ पे आइसक्रीम, यहाँ भी बिक रहा है लेकिन हमने दूसरी दुकान से लिया है। ये भी आइसक्रीम वाले सही है, अच्छा मार्केट है, अच्छा दुकान है और काफ़ी अच्छी जगह है। आइसक्रीम तो खाना ही पड़ेगा, आइसक्रीम मज़ेदार आ गया। वाह, देहरादून का आइसक्रीम मज़ेदार है, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया देहरादून पहुंच करके और आइसक्रीम का लुत्फ़ ले रहे हैं। आप भी आइए खाइए।